देश भर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन आज भी कई ग्रामीण इलाकों में स्थिति बद से बदतर है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले की। दरअसल जिला मुख्यालय से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर स्थित तुमैन गांव में त्रिवेणी नदी के दूसरी ओर रहने वाले ग्रामीणों को बारिश के मौसम में आने जाने को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते हैं। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट, विकास की जमीनी हकीकत। यह कैसा आजादी का अमृत महोत्सव, जान जोखिम में डालकर बच्चे जा रहे स्कूल। त्रिवेणी नदी को पार करने के लिए ग्रामीणों ने बनाया लकड़ी का पुल, रस्सी और लकड़ी के पुल से निकलने को मजबूर। विकास के दावों की पोल खोलती जमीनी हकीकत। तुमैन गांव में त्रिवेणी नदी पर बनाया है पुल। अशोकनगर को जिला बने हो गए हैं 20 वर्ष, आज भी विकास का इंतजार कर रहे ग्रामीण। यह मंजर है अशोकनगर जिले के तुमैन गांव का, जहां त्रिवेणी नदी पर ग्रामीणों ने ही जैसे तैसे लकड़ी और रस्सी की मदद से पुल बनाया। इस पुल से निकलकर प्रतिदिन बच्चे स्कूल आते जाते हैं। वहीं ग्रामीणों को भी बारिश के मौसम में इस पुल से होकर निकलना पड़ता है। गांव की यह स्थिति विकास के तमाम वादों की पोल खुलती नजर आ रही है। इसी पुल से स्कूल जाते हैं। अच्छा, तो कभी कोई दिक्कत नहीं लगती आपको, गिर जाएंगे, कर जाएंगे, चोट लग जाएगी? डर लगता है इस पर जाने में। कभी आप स्कूल में या सरपंच वगैरह से आपने बोला इस बारे में? पुल तो आ गया था सर, लेकिन सरपंच ने नहीं बनवाया। सरपंच ने नहीं बनवाया? अच्छा, कितने लोग रहते हैं आपके उस साइड? वहाँ पे 50-60 लोग रहते हैं। स्कूल में इससे कितने बच्चे निकलते हैं पुल पे से? 10-15 बच्चे। 10-15 बच्चे रोज जाते हैं। डर नहीं लगता इस पुल से गुजरने में? लगता, और गिर भी जाते हैं कई बार, चोट भी लग जाती होगी। हाँ। और कोई रास्ता नहीं उधर जाने का? है, पर वो 5-1 किलोमीटर है, दूर है। हाँ। पुल निर्माण होता है, ये किसने कराया पुल का निर्माण? हमने खुद किया है। आपने खुद किया है? बरसात में इसी से निकलना पड़ता है? निकलना पड़ता है। कितने लोग रहते हैं आपके बटे उस तरफ? 80-90 की है जनसंख्या। छोटे छोटे बच्चे इस पुल से निकलते हैं, कई बार जान का खतरा भी बन जाता है। ऐसी कोई स्थिति आपके सामने आई है पहले? नहीं, अभी तो नहीं आई, फिर डर लगता ना निकलने में। कई बार आप लोग भी फिसल जाते हैं? फिसल जाते हैं, गिर गए हम तो कई बार, भींज गए, मोबाइल भी गिर गए, खराब हो गए 2-3। तो कोई सरपंच ने या सरकार ने यहाँ पर पुल बनाने की? नहीं, अभी तक नहीं बन पाया, कुछ भी नहीं। कभी मांग उठाई आप लोगों ने? नहीं, उठाई है 2 बार, बहुत बार। तो सरकार इतने विकास के दावे करती है तमाम, तो आप संतुष्ट हो कि सरकार के विकास हो पा रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ पे पुल बनना चाहिए? बनना चाहिए सर। अभी तक आपने किसी से बात की इस संबंध में? हाँ, सरपंच वगैरह इन लोगों से ही बात की है, ऊपर ही बात की है, कुछ सुनवाई नहीं हुई हमारी तो। दरअसल तुमैन गांव में त्रिवेणी नदी बहती है, नदी की दूसरी ओर दर्जनों लोग निवास करते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उनके घर तक पहुंचने का रास्ता तो है, लेकिन यह रास्ता करीब 6 किलोमीटर दूर से है, इसलिए ग्रामीणों ने ही इस रस्सी और लकड़ी के पुल को बनाया। ग्रामीण बताते हैं बारिश के मौसम में जब नदी का जल स्तर बढ़ जाता है तो निकलने के लिए ये पुल ही अकेला सरिया रहता है। कई मर्तबा बच्चे फिसल कर गिर जाते हैं, तो वही कई बार ग्रामीण या उनके सामान भी पुल से निकलते समय नदी में गिर चुके हैं। इतनी परेशानी के बावजूद ना तो सरकार ने कोई सूद ली और ना ही प्रशासन या जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान दे रहे। वही अशोकनगर जिले को भी अस्तित्व में आए करीब 20 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी यह जिला विकास का इंतजार करता नजर आ रहा है। अशोकनगर में एक ऐसा स्थान है जहां पर सरकार के तमाम वादे झूठे साबित हो रहे हैं। एक ओर जहां देश में आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ एक और बात करें कि अशोकनगर जिले के अस्तित्व में आए हुए 20 साल पूरे कर चुका है, बावजूद इसके अभी भी जो जिले के हालात हैं वो बद से बदतर हैं। यहाँ की बात करें तो तुमैन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लोगों को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर त्रिवेणी नदी है, स्थानीय लोग नदी के ऊपर से रस्सी बांधकर टेम्परेरी पुल का निर्माण करते हैं और पूरे बारिश में इस पुल से होकर गुजरते हैं। सबसे खास बात यह है कि जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिन्हें स्कूल जाना पड़ता है, और वो स्कूल भी इसी पुल से होकर गुजर कर जाते हैं। अपनी जान को जोखिम में डालकर बच्चे स्कूल जाते हैं, और यहाँ पर दर्जनों लोग जो नदी है त्रिवेणी नदी उसके दूसरी ओर निवास करते हैं, बावजूद इसके
अभी तक ना तो सरकार ने, ना जनप्रतिनिधियों ने, ना स्थानीय सरपंच ने, ना तो कोई जद्दोजहद उठाई है, ना ही यहाँ पर कोई परमानेंट व्यवस्था की है कि गाँव के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच सके। अशोकनगर से ACN भारत के लिए आशीष मालवीय।